पैड और पेन जरूर ले ली। कोई और रह गया? नहीं, बहुत लोग आए थे, बाकी लोग कहाँ चले गए? ठीक है, चलिए। मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एक जैसे कैटेगरी को एक ग्रुप में, एक जैसे कैटेगरी को एक ग्रुप में, ताकि आप लोग को इजी रहेगा सारी चीज समझने में। आज किसी को कोई चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? रेनबो सर्विस आइए जल्दी भाई, वेटिंग रूम। जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर दीजिए, लोग बता दीजिए कैसे साउंड आएगा। उनका साउंड नहीं आ पा रहा है, वो बोल रहा है। क्या हो गया परदेशी साहब, कहाँ चले गए आप? आप तो ज्वाइन थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स बिगिन। तो ये है, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। विंडोज फोटो व्यूअर शेयर। अरे भाई जल्दी आओ, ये लोग एक तो आ रहे हैं। यस, ठीक है, ठीक है, चलिए। दीपक जी रेज हैंड कर रहे हैं, वो क्या बात है? मैसेज मैसेज कर दो मैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक मिलियंस इन बिजनेस। ये जो है ये हमारा बिजनेस ही होता है। कैसे होता है, क्या होता है, अभी समझेंगे, बाद में हम क्वेश्चंस आंसर भी लेंगे। पहले थोड़ा सा एक सरसरी निगाह डालते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, क्या है, ठीक। सबसे पहले नंबर पे तो रूल्स ऑफ सक्सेस हैं। जो पहला रूल है सक्सेस का, नंबर वन पे है शो अप। शो अप मींस दिखना, आपको प्रेजेंट होना। वो आपने पहला स्टेप कंप्लीट करा। कितने लोग आज आ पाए, कितने लोग नहीं आ पाए, जिन्होंने पेमेंट भी कर दिया उसके बावजूद भी नहीं आ पाए। ये 13 रूल्स हैं, ये हम लेंगे सारे एक एक करके। हो सका तो डेली मीटिंग करेंगे, नहीं तो आज तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो सबसे पहले नंबर पे मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग मेरे पास फोन करते हैं, कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हमें फंड कैसे मिलेगा, फंड कैसे मिलेगा। सर ये गलत क्वेश्चन, आप ये पूछते हैं कि कैसे मिलेगा। कैसे नहीं, आपको ढूंढना होता है व्हाई, कि आपको मिले तो आपको क्यों मिले, मुझे क्यों मिलता है, उसका रीजन वो मैं लास्ट में शेयर करूंगा कि मुझे क्यों मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलता। ये सीखिए कि क्यों क्यों आपको ही दे कोई फंड, रीजन हो ना उसके पीछे। अगर आपने फाइंड योर वाई, यू विल नेवर फाइंड योर हाउ। अगर आपने वाई ढूंढ लिया ना तो हाउ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वाई पता चल गया ना तो फिर हाउ अपने आप होगा। टाइप्स ऑफ बिजनेस देखेंगे, कितने तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोलो, है ना, प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, LTD होता है, लिमिटेड कंपनी, कॉर्पोरेशन। एक ये वाला है हमारा नॉन प्रॉफिट। ये भाई बिजनेस है, इसको समझना जरूरी है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो दिक्कत है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसको समझना जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते यार हमें तो फंड मिलता नहीं, हमें तो मिलता नहीं, तुम्हें कहां से मिल जाता, तुम्हें इतना ज्यादा फंड कहां से मिल जाता। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे मिलता है वो मैं क्लियर करूंगा कि मुझे क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। आपको भी मिलेगा। 1 million isn't that big। 1 million को बहुत बड़ी रकम नहीं, बहुत छोटी रकम। और आज से हम लोग ज्वाइन करेंगे और आप देखिएगा कि आपके लिए भी ये बहुत छोटी रकम होने वाली है। हम फोकस करेंगे इनकम पे। इनकम इज किंग, मेन है इनकम हमारे लिए, क्योंकि इनकम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं। तो हाउ मच इनकम कैन यू प्रोड्यूस फ्रॉम वन लोकेशन। आपकी जो लोकेशन है, आपके जो काम करने का वे है, कहां पे आप काम करते हैं, तो वहां पर से कितनी इनकम के स्ट्रीम्स होना चाहिए। आज हम इसी में बात करेंगे, मल्टीपल वेज की हमने बात की थी, मल्टीपल वेज पे हम बात करेंगे। क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो आप टीम हायर नहीं कर सकते हैं,
स्टाफ नहीं रख सकते, आप अपना प्रमोशन नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते। गो बिग और गो होम, आपको बड़ा बनना है, बिग बनना है, नहीं तो घर पे जाना। एड इनकम क्रिएटिंग स्किल्स, इनकम के लिए आपको इनकम स्किल्स की जरूरत होगी। भाई दो लोग और आ गए, एक सेकंड में जल्दी आइए, आ जाइए फटाफट आइए। इनकम स्किल्स की जरूरत होगी, कौन कौन सी इनकम स्किल्स होती है हम बात करेंगे अभी। एड मल्टीपल फ्लोस, आपको मल्टीपल फ्लोस की जरूरत है। कैसी इनकम होती है, कौन कौन सी होती है, देखिए एक होती है अर्नड इनकम, एक होता है प्रॉफिट इनकम, एक होता है इंटरेस्ट अर्नड, एक होता है डिविडेंड इनकम, और एक होता है रेंटल इनकम, एक होता है कैपिटल गेन्स, एक होता है रॉयल्टीज। हम सारे टॉपिक पर विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन आज टाइम कम है, आज फर्स्ट मीटिंग है, तो हम आज एट ए ग्लैंस एक सरसरी निगाह डालेंगे, उसके बाद में आप लोग जो जो टॉपिक बताएंगे, जो जो चीज बोलेंगे, हम उसको क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, जो आप बोलेंगे उसको डेली डेली कर लेंगे मीटिंग, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। डू योर ओन मैथ, आपको सबसे पहले नंबर पे मैथ करना होती है, डू द मैथ, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ इज ए नंबर गेम, नंबर्स आपको चाहिए, तो नंबर्स बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे मैथ करना है आपको, आप अपनी मैथ करिएगा फिर हमसे। अरे भाई आ जाओ, सबसे पहले नंबर पे तो ये बात ध्यान करिए कि आप की जो संस्था है तो उसमें आप किस थीम पे काम कर रहे हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व करें, क्योंकि आप जब भी प्रोजेक्ट प्रपोजल डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप पॉवर्टी गरीबी पे काम कर रहे हैं, आप महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, बर्निंग प्रॉब्लम हो जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, उसकी कंडीशन सॉल्व होगी और वहीं से कैश फ्लो होगा, वहीं से सारी चीजें होंगी। स्मॉल बिजनेस नेवर सर्वाइव। फिर आपको देखना होगा कि आप, ये पहला स्टेप है कि ऑडियंस आपको देखना है कि आप बच्चों के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए, मतलब किस फील्ड से हैं आप, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक निश पकड़ें, ये नहीं कि सब तरफ भाग रहे हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो नहीं, आपको एक चीज पकड़ना है। अभी हम बात करेंगे सारी चीजों पर, अभी हम एक बार ऐसे कर लें। आपको अपने मालूम होना चाहिए लोग, कि कौन कौन से लोग हैं, किसको आपको बेचना है, किसको अपना बेचना, इन द सेंस यहाँ पे कोई चीज नहीं बेचना होती है, यहाँ पे बेचने का मतलब होता है आपको सामने वाले को अपनी बात मनवाना, जिसको हम बोलते हैं कन्विंस करना। बी द टॉर्टोइस एंड द हेयर, आप चाहे कछुआ हो चाहे खरगोश हो, लेकिन चलें जरूर। फिर आएगा 20 रूल्स ऑफ क्लोजिंग अ डील, एक डील को क्लोज करने के लिए 20 रूल्स चाहिए होते हैं, कम से कम 20 रूल। एक जो डील आपकी क्लोज होगी, एक जो आपकी डील होगी उसमें 20 रूल्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है, डील को डन करने के लिए। कौन कौन से हैं, ये हैं 20 रूल्स। ऑलवेज रिमेन सीटेड, ऑलवेज प्रेजेंट योर प्रपोजल इन राइटिंग, आपका प्रपोजल कैसा होना चाहिए वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। ऑलवेज क्लियरली कम्युनिकेट योर प्रपोजल, आप अपना प्रपोजल बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट करें। ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, ऑलवेज हैव पेन, आपके पास पेन हो, ह्यूमर हो आपके पास जो प्रेशर को कम करें। ऑलवेज आस्क वन मोर टाइम, ऑलवेज हैव एन एक्सेलेंट, इस तरीके से 20 है ये, 20 एक बोनस भी है, 21 में है, मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा आपको। फिर हमें फॉलो अप करना होता है। फॉलो अप क्या चीज होती है, कि अधिकारी से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, डे वन कैसे कॉन्टेक्ट करना है, डे टू कैसे कॉन्टेक्ट करना है, डे थ्री, ये हमारा 365 डेज का है, 365 दिन आप किससे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे अलग अलग वे में। फॉलो अप सबसे मेन होता है, क्योंकि फॉलो अप अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। कैसे आप फॉलो अप करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको दूंगा, कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स दूंगा मैं आपको। वेस, कितने तरीके से आप फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप बेसिक्स हैं, टाइप्स ऑफ फॉलो अप्स हैं, कॉल्स के, कॉल आप जो करते हैं तो कैसे, कितने तरीके की कॉल करना होती है आपको। मिस्टेक्स, ज्यादातर लोग मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं फॉलो अप में, कॉल में, प्रोजेक्ट प्रपोजल में। मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज दूंगा मैं आपको, कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज करके, इसमें एक स्ट्रेटजी टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, ठीक है। हाँ, ये हमारा CSR फंड है, ये CSR फंड जहां से मिलेगा ये वो है, ये प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 11 प्रोजेक्ट्स हैं, CSR के 7 प्रोजेक्ट हैं, फॉरेन फंडिंग के 7 प्रोजेक्ट हैं, COVID-19 के इमरजेंसी फंड है। इस तरीके से आपको ये
मिलेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल जो भी है आपके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, अर्थ डे, रोड सेफ्टी, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम बात करेंगे इन पे, कोरोना, कोरोना का प्रोजेक्ट है, ये सब हम बात करेंगे। हाँ, ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, ये मेन वेबसाइट्स हैं, कुछ हो रही हैं वेबसाइट्स, ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स हैं, चार वेबसाइट्स हैं, इनको शो, इनको नोट कर लीजिए, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको यहीं से सारा काम होगा। ये CSR है, हाँ, ये जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले नंबर पे देखिए, उसमें कवर एक होगा, कवर लेटर होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल होगी, प्रोफार्मा होगा, आपका इन्वेस्टिगेटर प्रोफाइल होगी, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियर फॉर्मेट होंगे, अभी तक आपने जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल जो भी बनाया है तो वो इन इन टॉपिक्स पे, इन इन चीजों पे होना चाहिए, मतलब ऐसे पूरी एक फाइल बनना है आपकी, ये चीजें हैं, ठीक है। हाँ, ये वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट है, ये वाली है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, ये इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ, तो आप जिस चीज पे भी जो भी चीज शुरू करना चाहते हैं वो आप करें, उसमें कोई इशू नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और आपको चीज दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट थोड़ा सा और दिखा दूं मैं आपको। वीडियो किधर गई, एक सेकंड।